हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी बनाने वाले हैं एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से। इस ड्रोन में हम अटैच करने वाले हैं GPS फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी और यहां पे हम टेलीमेट्री भी अटैच करने वाले हैं। तो ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन हमें काफ़ी तगड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर हम टेलीमेट्री भी अटैच करने वाले हैं, जिसकी मदद से मोबाइल से भी अपने हेक्साकॉप्टर ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन में हमें काफ़ी ज़्यादा फेल सेफ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फ्लाइट मोड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1000 KB की 6 ब्रशेस मोटर और 30 एम्पेयर के 6 ESC F550 हेक्साकॉप्टर फ्रेम, APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर, 5200 mAh 11.1 volt लिपो बैटरी, रेडियो टेलीमेट्री ग्राउंड मॉड्यूल एंड एयर मॉड्यूल, M7N GPS मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल, FlySky i6 ट्रांसमीटर, FlySky IA-10B रिसीवर। हमें सबसे पहले फ्रेम के आर्म्स पर अपने मोटर को फिक्स कर लेना है और मोटर की वायर को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ निकाल लेना है। यहाँ पे हमने अपनी सभी आर्म्स पे सभी मोटर को फिक्स कर लिया है। ये हमारे ESC का वो वायर है जो जाके बैटरी से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा रेड वायर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ब्लैक वायर निगेटिव पे सोल्डर करना है। यहाँ पे हमें अपने टी कनेक्टर को कट कर लेना है और रेड वायर को पॉजिटिव पे सोल्डर कर देना है और ब्लैक वायर को निगेटिव पे सोल्डर कर देना है। सोल्डरिंग हमेशा टाइटली करें, इससे ही हमारे ड्रोन के वाइब्रेशन की वजह से खुले ना। सोल्डरिंग प्लेट हमारे फ्रेम के नीचे वाली प्लेट पर प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे हमने अपने सभी ESC और पावर मॉड्यूल को सोल्डर कर लिया है। यहाँ पे हमने अपने सभी आर्म्स को फिक्स कर लिया है। हमारे मोटर पे हमें 3 तरीके के वायर देखने को मिलते हैं, रेड वायर पॉजिटिव के लिए, येलो वायर सिग्नल के लिए और ब्लैक वायर निगेटिव के लिए। यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज मोटर के लिए हमेशा मोटर और ESC के सीधे सीधे वायर्स का कनेक्शन कर देना है। एंटी क्लॉकवाइज मोटर के लिए हमें यहाँ पे येलो वायर का कनेक्शन अपने ESC के बीच वाले वायर से करना है और ब्लैक वायर का कनेक्शन ESC के दूसरे साइड वाले वायर से और रेड वायर का कनेक्शन ESC के अदर दूसरे साइड वाले वायर से कर देना है। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, हमेशा ही याद रखिए यहाँ पे कि हमारा येलो वायर का कनेक्शन हमेशा ESC के बीच वाले वायर से कनेक्ट होगा और बाकी रेड और ब्लैक वायर का कनेक्शन डायरेक्शन के अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने सभी कनेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे वाली प्लेट पर फिक्स करना है अपना APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर और इस फ्लाइट कंट्रोलर को हमने लगाया है एंटी वाइब्रेशन पैड के ऊपर और यहाँ पे हम इसे फिक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं डबल साइडेड टेप का। और यहाँ पे हमें अपना FlySky का IA-10 रिसीवर फिक्स कर देना है और साथ में हमें अपनी रेडियो टेलीमेट्री भी फिक्स कर लेनी है नीचे वाली प्लेट पर ही। यहाँ पे आप मोटर लेआउट देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का हमें मोटर लेआउट रखना है। हमारा मोटर 1 कौन सा होना चाहिए, मोटर 2 कौन सा होना चाहिए और बाकी मोटर्स कौन सी होनी चाहिए। तो इन्हीं मोटर्स की ESC के कनेक्शन हमें काउंटिंग वाइज करना है। यदि आप काउंटिंग वाइज नहीं करेंगे तो आपका ड्रोन फेल हो जाएगा और आपका ड्रोन फ्लाई अच्छे तरीके से नहीं करेगा। और यहाँ पे आप अपने मोटर लेआउट पर ड्रोन का फॉर्मल डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप येलो वायर ऊपर की तरफ रखें क्योंकि सिग्नल वायर ऊपर की तरफ होती है, या फिर आपकी व्हाइट वायर है तो उसे ऊपर की तरफ रखें क्योंकि व्हाइट वायर सिग्नल वायर ही है। अब हमें इनपुट्स का कनेक्शन करना है अपने रिसीवर के साथ। तो यहाँ पे सिग्नल की पिन ऊपर की तरफ ही हमें रखना है और यहाँ पे हमने इनपुट्स का कनेक्शन रिसीवर के साथ कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमने पावर मॉड्यूल का कनेक्शन करना है और यहाँ पे हमें अपने रेडियो टेलीमेट्री का कनेक्शन करना है। हमें GPS की एक पिन को GPS पोर्ट पे लगाना है और GPS की दूसरी पिन को ITC पोर्ट पे लगाना है। अब हमें यहाँ पे GPS स्टैंड और अपर प्लेट को फिक्स कर लेना है। GPS स्टैंड यहाँ पे लगाना जरूरी है और यहाँ पे हमने अपने GPS को फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमारे GPS का हमेशा फ्लाइट कंट्रोलर के फॉरवर्ड डायरेक्शन से सेम होना चाहिए, यानी हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का फॉरवर्ड डायरेक्शन और GPS का फॉरवर्ड डायरेक्शन मैच करना चाहिए। प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप का और एक USB केबल का। आप चाहें तो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। USB केबल के एक इंड को हम लगाएंगे
अपने लैपटॉप के साथ और दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे अपने फ्लाइट कंट्रोलर के साथ, और हमें फ्लाइट कंट्रोलर के रीसेट बटन पर प्रेस कर देना है जिससे कि पुराना डाटा इरेज हो जाए। और यहाँ पे हम मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशंस एंड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें अपने मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारा मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और हमें चलना है इनिशियल सेटअप पर। यहाँ पे आप कॉम 4 की जगह ऑटो भी रख सकते हैं यदि आपको कौन सा पोर्ट पे आपका यूएसबी कनेक्टेड है नहीं मालूम। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूरी से ही रखना है अपने लैपटॉप के साथ। यहाँ पे हम हेक्साकॉप्टर का फर्मवेयर डाल रहे हैं, यही हेक्साकॉप्टर एक्स मोड का फर्मवेयर है। यहाँ पे हमारा फर्मवेयर इंटरनेट से डाउनलोड होगा। यहाँ पे हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल हो चुका है और हमें कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को लेने के बाद हमारा फ्लाइट कंट्रोलर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक ये केवल फिजिकली कनेक्टेड था, अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये हमें यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे हमें एक मैंडेटरी हार्डवेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें अपने फ्रेम टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन करना है, तो हमें सबसे पहले अपने व्हीकल को लेवल पे रखना है, देन कैलिब्रेट कर देना है। उसके बाद अपने व्हीकल को लेफ्ट साइड रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। उसके बाद अपने व्हीकल को राइट की तरफ रखना है और कैलिब्रेट कर देना है। यहाँ पे मैं जिस तरीके से कैलिब्रेशंस को कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से कैलिब्रेशंस को करें। और यहाँ पे हमें व्हीकल की नोज़ डाउन रखनी है, हमारे व्हीकल का फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ है, और यहाँ पे हमें व्हीकल की नोज़ अप रखनी है और कैलिब्रेशन कर देना है। अब हमें यहाँ पे पूरा व्हीकल अपना उल्टा रखना है और देन कैलिब्रेशन कर देना है। उसके बाद हमें अपने व्हीकल को सही तरीके से रख के कैलिब्रेट लेवल पर क्लिक कर देना है, मीन्स ये हमारा लेवल सरफेस पर ही रखा होना चाहिए। उसके बाद करना है हमें अपना कंपास कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नली कंपास को माउंट कर रखा है, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नली माउंटेड ऑन रख देंगे और यहाँ पे हम नॉन ही सेलेक्ट किए रहेंगे और देन ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें कंपास कैलिब्रेशन अब मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं कंपास कैलिब्रेशन को कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी कंपास कैलिब्रेशन को करना है। यहाँ पे ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस के सारे ऑप्शंस को सेव करेगा। यहाँ पे ऑटो ट्यून को ऑन रखना है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली ऑफसेट्स को सेव करता जाए। यहाँ पे हमें मैनुअली वैल्यू को नहीं डालना है। यदि आपके डॉट्स दूर दूर बन रहे हैं तो आप डू इट एनीवे करके, मींस डन करके आप दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि डॉट दूर दूर बन रहे हैं मींस आपका कंपास कैलिब्रेशन अच्छे से नहीं हुआ और आपका ड्रोन अच्छे से फ्लाई नहीं करेगा, हालांकि फ्लाई ही नहीं करेगा। यदि आपके डॉट्स दूर दूर बन रहे हैं तो आप दोबारा से कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ डॉट्स पास पास बन रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपने मल्टी रोटर को सारे एक्सिस पर मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे सारे ऑफसेट सेव हो चुके हैं और अब हमें अपने मल्टी रोटर को सही तरीके से रख देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमें चलना है अपने रेडियो कैलिब्रेशन पर, तो उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है। यहाँ पे हम आ रहे हैं अपने रेडियो कैलिब्रेशन पे, वहां पे कंपास कैलिब्रेशन मुझसे गलती से चालू हो गया था। तो यहाँ पे हमें अपने सारी स्टिक्स को मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक मूव करना है, मीन्स हमें उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को दर्शाना है। यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टिक्स को भी मैक्सिमम और मिनिमम एक्सटेंट तक मूव करना है और यहाँ पे हमें थ्रोटल को जीरो पे रख के क्लिक बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें ओके कर देना है और यहाँ पे हमारे कैलिब्रेशंस की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें अपने सेलेक्ट करना है फ्लाइट मोड्स, तो चूंकि यहाँ पे हम GPS यूज कर रहे हैं
तो इसलिए हम यहाँ पे अपना फ्लाइट मोड नंबर 1 रखेंगे स्टेबलाइज, फ्लाइट मोड नंबर 4 रखेंगे हम लोएटर, और फ्लाइट मोड नंबर 6 रखेंगे रिटर्न टू लॉन्च मीन्स RTL, मीन्स जहाँ से ड्रोन ने फ्लाई किया था वहीं पे वापस आके लैंड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सेव मोड्स पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे आना है फेल सेफ पर, और यहाँ पे जैसे ही हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस होगा तो यहाँ पे आप इनेबल डेस RTL भी रख सकते हैं और इनेबल डेस ऑलवेज लैंड भी रख सकते हैं। और यहाँ पे बैटरी मॉनिटर में आपको बैटरी के बोर्ड्स को रख देना है, मीन्स जब आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो तभी आपके यहाँ पे बैटरी के बोर्ड्स को रख देना है, और यहाँ पे आप बैटरी मॉनिटर उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वोल्टीमीटर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बैटरी मॉनिटर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यदि आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे RTL में कुछ सेटअप करने हैं, मीन्स हमारे रिटर्न टू लॉन्च के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ को चेंज करना होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे, कुछ वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हमें हटाना होगा। तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे जो कि कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें RTL ऑल्टीट्यूड रखना है, मीन्स यहाँ पे हमारा ड्रोन मिनिमम कितना एल्टीट्यूड लेगा रिटर्न टू लॉन्च होने से पहले, यदि जितना एल्टीट्यूड आप रखते हैं उससे ज़्यादा है तो उसी हाइट पे रिटर्न होगा, पर यदि उससे कम है तो यहाँ पे उतनी हाइट लेगा और फिर यहाँ पे रिटर्न होगा। और यहाँ पे RTL फाइनल एल्टीट्यूड रखना है, मतलब कि फाइनल मतलब रिटर्न टू लॉन्च जब मिशन कंप्लीट करें तो यहाँ पे क्या रखना है वो, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वही वैल्यूज चाहते हैं, मीन्स हमारा ड्रोन लैंड कर जाए। और वहाँ पे हमें राइट पैरामीटर्स पे क्लिक कर देना जिससे कि हम वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को सेव कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम स्पीड भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्पीड मैं रख रहा हूँ 200, और यहाँ पे रेडियस हम 200 रख रहे हैं। यहाँ पे वे पॉइंट नेविगेशन पे हम स्पीड रख रहे हैं 200 और रेडियस हम 200 रख रहे हैं, मतलब अगर 200 सेंटीमीटर के रेडियस में हमारा ड्रोन आ जाता है तो रिटर्न टू लॉन्च हमारा सक्सेसफुल माना जाएगा, और 200 सेंटीमीटर के रेडियस में वो कहीं पे भी लैंड कर सकता है। यहाँ पे आप स्पीड अप और स्पीड डाउन भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोएटर स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें राइट पैरामीटर्स पे क्लिक कर देना जिससे हमने जो नया वैल्यूज़ को डाला है वो सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा सेटअप पार्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे करना है थ्रोटल एसी कैलिब्रेशन, तो उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर देना है एंड बैटरी को कनेक्ट करना है थ्रोटल को फुल पे रख के। उसके बाद आपको सिंगल बीप के बाद बैटरी को डिसकनेक्ट करना है, देन अगेन बैटरी को कनेक्ट करना है, देन 2 बीप्स के बाद थ्रोटल को डाउन करना है, और देन 3 बीप्स एंड 1 फाइनल बीप के बाद आपका थ्रोटल एसी कैलिब्रेशन हो चुका है। और आपको यहाँ पे अपने जो हेलीकॉप्टर उसकी मोटर की डायरेक्शन को वेरीफाई कर लेना है कि मोटर की डायरेक्शन यहाँ पे दिखाए हुए हमारे मोटर डायग्राम के अनुसार है कि नहीं। यदि इस डायग्राम के अनुसार आपकी मोटर की डायरेक्शन नहीं है और यदि आप नहीं रखते हैं तो आपका ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करेगा, तो आपको इस मोटर की डायरेक्शन कुछ इसी डायग्राम के अनुसार ही रखनी है। यदि इस डायग्राम के अनुसार आपकी मोटर की डायरेक्शन नहीं है तो आपको ESC और मोटर की वायरिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, मीन्स हमारे ESC की जो वायर मोटर के साथ कनेक्टेड है वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। हमारे मोटर का जो रेड और ब्लैक वायर है उसके कनेक्शंस को इंटरचेंज कर देना है, उससे हमारा यहाँ पे मोटर का डायरेक्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने प्रॉपलर्स को अटैच कर देंगे, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कार्बन फाइबर प्रॉपलर, तो हमें क्लॉकवाइज मोटर में क्लॉकवाइज प्रॉपलर और एंटी क्लॉकवाइज मोटर में एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपलर को अटैच कर देना है। यहाँ पे हमारा ड्रोन फ्लाई करने के लिए रेडी है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने टेस्टिंग ग्राउंड पे और हमें बैटरी को कनेक्ट करना है। देन हमें अपने थ्रोटल की स्टिक को लेफ्ट की तरफ पुश करना है और यहाँ पे हमारा ड्रोन आर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रोन हमें काफ़ी बढ़िया स्टेबल फ्लाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम इसे लोएटर फ्लाइट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम चाहें तो अपने ड्रोन को रिटर्न टू लॉन्च का भी कमांड दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।